Is refraction of light through a prism? Refraction of light through a prism. This topic is activity based topic, means we can perform in lab, physics lab. में हम क्या करते हैं एक प्रिज्म लेते हैं प्रिज्म सभी ने देखा हुआ है पहले भी प्रिज्म इज शेप इन विच टू फेसेस आर ट्राई एंड थ्री फेसेस आर रेक्टेंगुलर यानी कि अगर हम इसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे ये टू डी सेप है अगर थ्री डी शेप में हम इसको शो करना चाहें तो कुछ कुछ ऐसा दिखाई देगा तो हम केवल यहाँ पर बात कर रहे हैं टू डी शेप में तो हमारा प्रिजम जो है हमें ऐसा दिखाई देता है तो प्रिजम की ये हम सभी वर्टिसेस को नेम नेमिंग कर देते हैं ए बी सी तो ये जो एंगल है हम इस को एंगल ऑफ प्रिजम बोल सकते हैं दिस एंगल इज एंगल ऑफ प्रिजम Let, हम क्या करेंगे प्रिज्म को एक ड्राइंग पेपर के ऊपर रखेंगे और उसके सामने बिल्कुल एक सीध में स्ट्रेट दो पिन जो हैं वो ऐसे उसके अंदर डाल देंगे पिन ऐसे खड़ी कर देंगे पिंस को ऐसे तो फिर क्या करेंगे हम उन पिन्स को एक सीध में लगाकर एक रे ड्रो कर देंगे ऐसे एक लाइन ड्रो कर देंगे ये लाइन किसका काम करेगी इंसिडेंट रे दिस रे विल बी इंसिडेंट रे अब हमें पता है कि जहां पर भी रे इंसिडेंट होती है वहां पर अगर उस फेस पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो क्या बन जाता है हमारे लिए नॉर्मल तो यहां पर हम ये एम एम डैश नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं तो ये तो हमारा एयर है यानी कि बाहर वाला मीडियम है और ये कैसा है मीडियम है हमारा जो प्रिज्म है वो डेंसर मीडियम है क्योंकि ग्लास का बना हुआ है तो डेंसर मीडियम कौन सा होगा एयर होगा या प्रिज्म होगा तो डेंसर मीडियम हमारा प्रिज्म होगा तो जैसे ही रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ रेज आती है वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती हैं यानी कि ये हमारा नॉर्मल है तो रेज को जाना तो चाहिए था इधर रेज को जाना तो चाहिए था इधर तो लेकिन रे तो क्या है रेयर से डेंसर की तरफ आएगी तो नॉर्मल 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 हो हो जाएगी तो तो की तरफ बेंड हो गई तो ये हमारा के साथ जो रे एंगल बना रही है एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल सकते हैं हम तो अब क्या हुआ रे इधर आ चुकी है तो यहां से हम देखेंगे अब कैसा ये डेंसर मीडियम है ये रेयर मीडियम है तो डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी फिर हम यहाँ पर भी यानि कि रे यहाँ पर आ चुकी है तो यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे 90 डिग्री का एंगल यानि कि फेस पे तो 90 डिग्री का एंगल ये जो हमने ड्रॉ किया है ये भी कोई नॉर्मल है इसको भी एन एंड एस नेमिंग दे सकते हम नेमिंग वट यू वांट यू कैन गिव यहाँ पर हम देखेंगे अब क्या डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगी तो क्या होगा नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी रे तो ये हो गया तो अब ये जो एंगल हमारा नॉर्मल के साथ बना रही है ये बनाएगी है, एंगल ऑफ इमरजेंट इसको इमरजेंट एंगल बन, बोलते हैं हम अब हम देखेंगे कि रे इधर जा रही थी ठीक है और इस यहाँ ऐसे बाहर निकल रही है तो इन दोनों रेज को हम मिला दें ऐसे तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या होगा यानि कि ये इधर आ रही थी रे इधर आ रही थी, थी ना लेकिन चली गई है इधर ये ऐसे आ गई ना ये हम देख रहे हैं ऐसे चली गई तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा यानी कि रे हमारी इतनी डेविएट हो गई है ये होगा हमारा एंगल ऑफ डेविएशन ठीक है तो इसको हमें एंगल डी या डेल्टा भी लिख सकते हैं ये हमारा एंगल ऑफ इमरजेंट है एंगल ऑफ इंसिडेंट्स और नॉर्मल के साथ ये जो रे रिफ्लेक्ट हुई थी ये क्या होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो यहाँ पर हम शो कर देते हैं करना क्या होता है वैसे हमें नॉर्मली पहले टू पिंस लगानी होती है दो पिन लगाएंगे तो एक सीध में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो वो हो गई हमारी इंसिडेंट रे अब जहाँ पर भी वो सरफेस से मेट कर रही है वहाँ पर हम एक 90 डिग्री का एंगल बना देंगे यानी कि ये सरफेस है हमारा और इसके ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो हो जाएगा हमारा नॉर्मल तो ये हमारा एम एम डैश नॉर्मल हो गया तो हमारी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस तो रे को वैसे तो जाना तो चाहिए था सीधे लेकिन डेंसर मीडियम में आई है तो टार्ड्स द नॉर्मल तो रे को जाना चाहिए था इधर लेकिन जैसे ही वो डेंसर की तरफ आई है तो ऐसे हो जाएगा रेयर से डेंसर की तरफ आएगी तो टार्ड्स द नॉर्मल ये नॉर्मल है हमारा तो नॉर्मल की तरफ ही आएगी तो नॉर्मल की तरफ आ गई है थोड़ी सी बैंड हो गई फिर जहाँ पर ये दूसरे फेस के साथ मैच कर रही है तो वहाँ पर भी हम नॉर्मल ड्रो करेंगे ये हमने एंड से नॉर्मल ड्रॉ कर दिया फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर एक फिर से दोबारा देखेंगे इस साइड से देखेंगे क्योंकि हमें ये प्रैक्टिकल फॉर्म में करना होता है तो हम इस साइड से देखेंगे और वो जो दोनों दो पिन उधर लगाई हुई थी ये हमें सीध में दिखाई देंगी ऐसे और ऐसे दो पिन और लगा देंगे जिससे कि वो दोनों पिन उनके पीछे छिप जाए मान लीजिए ये दोनों पिन हमें दिखाई देंगे कैसे भी तो बिल्कुल ये उसके पीछे ये हमें ऐसे दिखाई देंगे पिन इधर ऐसे दिखाई देंगे तो हम दो पिन और उनके पीछे ऐसे लगा देते हैं कि वो पिछली दो पिन उनके पीछे हाइड हो जाए तो हम फिर उनसे एक लाइन ड्रो करेंगे तो ये लाइन ड्रो करेंगे तो हमें यहाँ पर कौन सा एंगल मिलेगा नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इमरजेंट तो यहां पर हम शो कर सकते हैं यहां पर नेमिंग कर सकते हैं हम पी क्यू इस पॉइंट पे आर एस टी ठीक है तो यहां पर हमारा जो क्या है पी क्यू पी क्यू इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे आर एस इमरजेंट रे है ये तो निकल रही है आर एस इमरजेंट रे और हमारा एम एम डैश एन एंड नॉर्मल है एम एम डैश एंड एन एन डैश नॉर्मल एंगल ए ये ए पे जो एंगल बना हुआ है हमारा एंगल ए क्या है एंगल ऑफ प्रिजम इधर जो हम एंगल देख रहे हैं एंगल आई एंगल के, आई क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन और हमारा एंगल ई एंगल ऑफ इमरजेंट यानी कि इमर्ज हो रही है रही, वहाँ पर कौन सा एंगल बनाएगी इमरजेंट बाहर निकल रही है कि इमर्ज हो रही है और एंगल होगा हमारा एंगल ऑफ इमरजेंट तो हम देखेंगे जो हमारा क्योंकि सेम ही मीडियम है ये वाला और ये वाला मीडियम तो इस मीडियम से डेंसर में जाते हुए भी नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनाएगी और इस मीडियम से बाहर आते हुए भी इतना ही एंगल बनाएगी यानी कि हमारा जो एंगल आई है वो क्या होगा एंगल ई तो हमारा एंगल आई इक्व टू एंगल ई एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्व टू एंगल ऑफ इमरजेंट तो ये हमें इस प्रैक्टिकल फॉर्म में करना है तो बड़ा ही ईजी है इंसिडेंट रे आएगी नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी तो हमने नॉर्मल की तरफ बैंड कर दी फिर जैसे ही डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी यानी कि ये हमने ड्रॉ किया था तो क्या होगा ये थोड़ी सी इस तरफ आ जाएगी तो इस तरफ आ गई तो हमने ड्रॉ कर दिया है डायग्राम तो फिर ये जा हो रही थी ऐसे जानी चाहिए थी इधर ठीक है और ये क्या है इधर तो हम दोनों के बीच का एंगल शो करेंगे तो ये एंगल होगा ये एंगल डी ये एंगल डी हमारा क्या होगा एंगल ऑफ डेविएशन ये क्या होगा हमारा एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि रे कितनी झुक गई है रे जानी तो चाहिए थी इधर इतनी झुक गई है तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डेवियशन कि कितनी डेविएट हो गई कितनी झुक गई तो रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अप्रीजम इजीली हम कर सकते हैं नेक्स्ट है हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट या डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट है नॉर्मली हम जो लेबोरेटरी में भी करते हैं वो भी प्रिजम की हेल्प से ही करते हैं वैसे उतना नेचुरल भी डिस्पर्जन होता है जो हमारा रेनबो फॉर्मेशन है वो डिस्पर्जन की ही हेल्प से होता है उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे तो एक हम प्रिजम लेंगे तो उस पर सन लाइट फॉलो करेंगे यानी कि वाइट लाइट सन लाइट क्या उसकी होती है वाइट लाइट ही होती है जैसे ही हम सन लाइट फॉलो करेंगे तो उसमें क्या होगा जो रे है आ, वो सेवन कलर्स में सप्लीट हो जाती है तो यह, यहां से हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट को कैसे डिफाइन करेंगे सप्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट सप्लीटिंग ऑफ वाइट लाइट व्हाइट लाइट का सप्लिट होना किस में सप्लिट होना इंटू सेवन कलर्स वाइट लाइट इंटू इट्स सेवन कंपोनेंट या कंसिटेंट कलर यानी कि व्हाइट लाइट का उसके सेवन कंपोनेंट कलर्स में डिवाइड हो जाना ही क्या होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट इन सेवन कलर्स को हम अगर नेमिंग करेंगे तो उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म है वी आई बी जी वाई ओ आर कुछ भी बोल सकते हैं ठीक है ये हमारे इसके लिए शॉर्ट फॉर्म होती है ये हमें एक डेफिनेट पैटर्न मिलता है तो वी मीन्स वायलेट आई मीन्स इंडिगो बी मींस ब्लू जी मींस ग्रीन वाई मींस येलो ओ मींस ऑरेंज आर मींस रेड तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो सबसे ऊपर हमारा जो कलर मिल रहा है वो रेड मिल रहा है यानी कि रेड तो सीधा ही आने की कोशिश कर रहा है तभी तो ऊपर मिल रहा है वो सबसे नीचे जो हमें मिल रहा है वो वॉयलेट इसका मतलब वॉयलेट सबसे ज्यादा बैंड हुआ है तो हम यहाँ पर शो कर सकते हैं मोस्ट बैंड कलर एंड लिस्ट बैंड कलर यहाँ पर हमारा मोस्ट बैंड कलर कौन सा है रेड एंड लिस्ट बैंड कलर वॉयलेट वॉयलेट मोस्ट बैंड कलर यानी कि सॉरी जो हमारा हम यहां पर देख रहे हैं सबसे ज्यादा बैंड कौन सा हुआ है वॉयलेट तो सबसे ज्यादा बैंड जो हमारा हो रहा है वो लिखना है और जो सबसे कम बैंड हो रहा है वो हमारा कौन सा है रेड तो लिस्ट बेंट इसका मतलब जो हमारा रेड कलर है उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी क्योंकि वो तो बैंड ही नहीं हो रहा उसके ऊपर बहुत ही कम असर हो रहा है डेंसर दे, मीडियम का तो इसलिए जो हमारा फास्टेस्ट कलर भी है लिस्ट बैंट एंड फास्टेस्ट भी है हमारा रेड कलर फास्टेस्ट कलर और जो हमारा वॉयलेट कलर है वो कैसा है स्लोवेस्ट स्लोवेस्ट मूव करता है वॉयलेट कलर तो जैसे हमारे जो रेड सिग्नल्स होते हैं ठीक है डेंजर साइन होते हैं वो रेड कलर के क्यों होते हैं उसका एक ही रीज़न है कि रेड कलर क्या नहीं होता है बैंड नहीं होता है यानि कि फास्टेस्ट है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है यानि कि हमें दूर से ही जो रेड सिग्नल है वो दिखाई देते हैं ठीक है तो मोस्टली हमारे सिग्नल्स कैसे कैसे कलर के होते हैं रेड येलो ग्रीन इन तीन कलर्स के ही होते हैं रेड इसका मतलब क्या है फास्टर्ज कलर है लिस्ट बैंड होता है ठीक है तो लिस्ट बैंड होगा तो जिस कारण हम दूर से इसको देख सकते हैं ऑरेंज वैसे तो हम ऑरेंज भी यूज कर सकते हैं लेकिन क्या होता है रेड और ऑरेंज और तो बिल्कुल सेम सेम ही कलर दिखाई देते हैं तो किसी को कलर ब्लाइंडनेस हो तो उसको इनमें कोई डिफरेंस दिखाई नहीं देता इसलिए क्या है दोनों में से एक चूज करते हैं यानी कि रेड ठीक है और नेक्स्ट क्या है हमारा फिर येलो और नेक्स्ट क्या है ग्रीन तो हम यहाँ पर जो लिस्ट बैंड कलर होते हैं उनको ही हम सिग्नल्स में यूज करते हैं तो यहाँ पर हम देख चुके हैं कि डिस्पोजल ऑफ लाइट क्या है सप्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स सेवन कंपोनेंट कलर्स थ्रू अ ग्लास प्रिजम एक ग्लास प्रिजम की हेल्प से जब भी व्हाइट लाइट को हम सेवन कलर्स में डिवाइड करते हैं स्प्लिट करते हैं तो क्या हो जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट तो सबसे पहले ये चीज किसने पाई थी न्यूटन ने न्यूटन फाउंड दिस फिनोमिना फर्स्ट न्यूटन ने सबसे पहले ये फिनोमिना मिला था और सबसे पहले यानी कि उसी ने ये प्रैक्टिकल फॉर्म में करके देखा था तो उसने देखा कि जो तो व्हाइट लाइट है वो सेवन कलर्स में डिवाइड हो गई फिर उसने क्या किया ऐसे ही एक और इन्वर्टेड यहाँ पर मान लीजिए एक तो ये हो गया परिजम व्हाइट लाइट आई तो क्या हो गया वो सेवन कलर्स में ठीक है सेवन कलर्स में चेंज हो गई फिर क्या किया उसने एक और बिल्कुल इन्वर्टेड यानी कि उल्टा करके लगा दिया परिजम तो फिर उसने देखा कि ये जो थी ये फिर एक ये एक वाइट लाइट में आ गया यानि कि एक परिजम ने तो क्या कर दिया व्हाइट लाइट को कलर्ड में यानी कि सेवन कंपोनेंट्स में और फिर क्या हो क्या दूसरा परिजम अगर जैसे ही उसने इन्वर्टेड रखा तो उसने दोबारा से कलर्ड कंपोनेंट से व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर दिया तो ये भी किसने करके देखा था न्यूटन ने ही करके देखा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट उसके लिए सबसे एक बार इसका फिर से रिवीजन देख लेते हैं डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट सप्लेटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू सेवन कंपोनेंट कलर्स मोस्ट बैंड वॉयलेट कलर लीस्ट बैंड रेड रेड कलर इट मीन्स रेड कलर इज फास्टेस्ट एंड वॉयलेट कलर इज स्लोएस्ट नेक्स्ट है सिग्नल्स के लिए हम क्या करेंगे ऐसे कलर यूज़ करेंगे जो लिस्ट बैंड होंगे ठीक लिस्ट है लिस्ट बैंड क्या हमारा रेड ऑरेंज येलो ग्रीन लेकिन रेड और ऑरेंज किसी भी कलर ब्लाइंड को सेम दिखाई देते हैं इसलिए हम क्या कर लेंगे इनमें भी सबसे ज़्यादा यानी कि फास्टेस्ट एक चूज़ कर लेते हैं रेड तो हमारा रेड येलो और ग्रीन है वो सिग्नल्स के लिए यूज होते हैं और डेंजर साइन के लिए भी रेड ही यूज़ होता है हमारा कलर नेक्स्ट हमने देखा कि जैसे ही हम एक परिजम लेते हैं वाइट कलर को सेवन कलर्स में डिस्पर्स कर देगा और फिर एक इन्वर्टेड करके रख देते हैं दूसरा परिजम तो क्या कर देगा कलर्ड कंपोनेंट्स को वाइट लाइट में कन्वर्ट कर देगा दोबारा सेन की वाइट हमारी वाइट में ही चेंज हो गई नेक्स्ट जो हमारा है एप्लीकेशन ऑफ डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट तो इसका एप्लीकेशन है रेनबो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो कि जो रेनबो है वो कैसे बनता है इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक रेनबो तो सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या होता है जैसे ही रेन के बाद दिखाई देता है दीज टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक अम यानी कि एक दो टाइनी ड्रॉपलेट है वो एक प्रिजम की तरह काम करता है दो हैं तो दो हो गए यानी कि बहुत सारे ड्रॉपलेट रह जाते हैं बारिश के बाद तो, तो क्या करेंगे वोटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक अ परिजम तो एक प्रिजम की तरह और मैनी हो गई तो मैनी प्रिजम्स की तरह काम करेंगे यानी कि जो एक स्पेक्ट्रम है वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम है बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम दिखाई देगा हमें जो कि हम देखते हैं रेनबो ही होता है तो देखते हैं ये फिनोमिना कैसे होता है तो आफ्टर रेन वोटर ड्रॉपलेट्स रिमेन सस्पेंडेड इन द एटमोसफियर तो हम कोई भी एक ड्रॉप ले लेते हैं इसको ईजिली समझने के लिए Let us take a water ड्रॉपलेट दिस इज अ water ड्रॉपलेट सनलाइट तो जैसे ही सनलाइट इंसिडेंट होगी वाटर ड्रॉपलेट की तरफ तो क्या होगा ये क्या है ये हमारा एयर है यानी कि रेरर मीडियम और वाटर क्या होगा डेंसर मीडियम तो जैसे ही इस पर आएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी यानी कि रे जो है ये हमारी इधर आ जाएगी कह सकते हैं हम इधर ठीक है इसको अच्छे से सकते हैं कि जैसे ही क्या हुआ था रे आई थी वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बैंड हो गई ठीक है वैसे तो इसको आना चाहिए था इधर तो क्या हुआ नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई तो जैसे ही नॉर्मल की तरफ बैंड हुई फिर क्या हुआ ये दूसरा जो फेस मिला उसको वोटर ड्रॉपलेट का तो यहां से हो गई कंप्लीट रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे पहले तो क्या हुआ रिफ्लेक्ट हुई ये इंसिडेंट रे ठीक है यहां पर क्या हो गया रिफ्लेक्ट लेकिन रिफ्लेक्ट होने के साथ साथ क्या हो जाता है उस सेवन कलर्स में भी चेंज हो जाती है यहां पर रिफ्रैक्ट होने के साथ साथ डिस्पर्ज भी हो जाती है यानी कि रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन दोनों हो जाते हैं यहां पर रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन डिस्पर्जन और दोनों ही हो जाते हैं जैसे ही इंसिडेंट रे ने वोटर ट्रोपलेट के अंदर एंट्री की तो क्या होगा एक प्रिज्म की तरह काम करता है तो क्या होगा रिफ्रैक्शन होता है प्रिज्म के अंदर और डिस्पर्जन होता है हमें पता है तो डिस्पर्जन हो गया यानी कि साउंड क्लास में भी डिवाइड हो गई फिर क्या हुआ इस लाइट जो हमारा वाटर ड्रॉपलेट है ये वाला जो फेस है उसको कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर देता है इसको हम कह सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर क्या हो गया जो लाइट रे थी वो इधर से टकरा कर वापस चली गई यानी कि क्या हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि अंदर से सारा का सारा रिफ्लेक्शन हो गया लाइट का तो फिर क्या होगा जैसे ही बाहर जाएगी फिर से ये क्या होगी रिफ्रैक्ट होगी रिफ्रैक्ट होगी और उसके साथ साथ क्या होगा सेवन कलर्स में तो पहले ही हो चुकी है तो फिर से दोबारा क्या हो जाएगा इसका रिफ्रैक्शन दोबारा से फिर से क्या हो जाएगा इसका रिफ्रैक्शन तो ये सेवन कलर्स में हमें दिखाई देती है तो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो में क्या हुआ थ्री स्टेप्स हुए सबसे पहले क्या हुआ रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन फिर क्या हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्स रिफ्लेक्शन और फिर से दोबारा क्या हुआ रिफ्रैक्शन तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे फॉर्मेशन ऑफ रेनबो में तो लिखेंगे टाइनी इट हैपन्स इन थ्री स्टेप्स थ्री स्टेप्स में होता है नंबर वन रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन क्या हुआ जैसे ही लाइट रे यानी कि सनलाइट जो है वोटर ड्रॉपलाइट के अंदर एंटर करती है तो रिफ्रैक्ट और डिस्पर्जन हो जाता है लिख सकते हैं हम सनलाइट गैट रिफ्रेक्टेड एंड डिस्पर्स वैन इंटर्स इन साइड द यानी कि जैसे ही ड्रोपलाइट के अंदर आती है रे तो क्या हो जाएगा वो रिफ्रैक्ट भी हो जाती है और डिस्पर्स भी हो जाती है नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फुल फॉर्म में ही लिखे इसको क्या हो जाता है वैन लाइ द तो हमारी यहां पर कौन सी रहेगी आएगी डिस्पर्स और रिफ्रेक्टेड रिफ्रेक्टेड एंड डिस्पर्स्ड रे completely reflected by the water droplet in its inner side। यानी कि water droplet के अंदर वाली side में ही जो हमारे reflected reflected और लाइट आ रही थी वो कंप्लीट क्या हो गई रिफ्लेक्ट हो गई थर्ड स्टेप हमारा क्या हो गया रिफ्रैक्शन थर्ड स्टेप इज रिफ्रैक्शन यानी क्या हुआ जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड जो थी हमारी रे वो क्या हो गई रिफ्लेक्ट हो गई यानी yani कि रिफ्लेक्टेड रे ही कह सकते हैं हम यहां पर द रिफ्लेक्टेड रे रिफ्रेक्टेड रिफ्रैक्ट Refract हो गई कब हो गई जब वो वोटर ड्रोपलेट से एयर की तरफ हो गई रिफ्रेक्टेड वैन इट लेफ्ट जैसे इसने छोड़ा दोटर ड्रोपलेट वोटर ड्रोपलेट सरफेस भी कह सकते हैं ओनली वोटर ड्रोपलेट ही कह सकते हैं हम चल जाएगा ऐसे काम तो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो थ्री स्टेप्स इसमें अक्कर होते हैं इट थ्री स्टेप्स अकर इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो फर्स्ट इज रिफ्रैक्शन एंड डिस्पजन जैसे ही सनलाइट आएगी तो क्या होगा पहले तो रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ आएगा तो क्या होगा रिफ्रैक्शन हो जाएगा और डिस्पर्जन हो जाएगा क्योंकि एक किसकी तरह काम करता है ये प्रिजम की तरह काम करता है तो जैसे ही रे आई तो रिफ्लेक्ट हो गई और डिस्पर्ज हो गई यानी कि सेवन कलर्स में भी चेंज हो गई फिर क्या होगा टी आई आर हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया ठीक है टी आई आर के बारे में वैसे हमें जानने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा अभी तो जैसे ही लाइट रे यानी कि जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है ये बाहर एयर की तरफ दोबारा से जाएगी वोटर ड्रॉपलाइट से बाहर की तरफ जाएगी फिर से क्या हो जाएगा रिफ्रैक्शन तो हमारे थ्री स्टेप्स है रिफ्रैक्शन एंड डिस्पन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन तो अब हम टी आई आर के बारे में बात कर लेते हैं वट इज टी आई आर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मान लीजिए हमारे यहां हमारे पास एक पौट ले, ले लेते हैं यानी कि वाटर ले, ले लेते हैं इधर ये वोटर है इधर ये आउटर सरफेस यानी कि क्या है बाहर की तरफ हमें क्या मिलेगा एयर है तो इसमें डेंसर मीडियम पहुंचा है वोटर तो हम क्या करते हैं एक यहां पर लाइट सोर्स ले लेते हैं अंदर की तरफ वोटर की तरफ इधर लाइट सोर्स ले लिया हमने कोई भी लाइट निकल रही है इससे तो मान लीजिए लाइट रे जब भी एक सीधी जाती है यानी कि इस पर जीरो डिग्री एंगल पे नॉर्मल के साथ या कह सकते हैं सरफेस पे परपेंडिकुलर हो यानी कि सरफेस पे परपेंडिकुलर का मतलब क्या यहाँ नॉर्मल भी तो हमारा इधर ही होता है सरफेस पे परपेंडिकुलर ही होता है नॉर्मल ठीक है तो जैसे ये जाएगी ये क्या होगा किसी भी एंगल पे रिफ्लेक्ट नहीं होगी वो सीधी ही चली जाती है फिर हमने क्या किया उसको तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रे बिल्कुल सीधी चली गई तो फिर क्या करेंगे उसको थोड़ा थोड़ा एंगल चेंज करेंगे यानी कि अलग अलग एंगल पर हम इसको चेक करेंगे ठीक है पहले रे इधर फिर थोड़ा सा एंगल चेंज किया फिर थोड़ा सा एंगल चेंज कच फिर थोड़ा सा एंगल चेंज कच तो क्या होगा हमें पता है जैसे ही डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी तो क्या होगा वो नॉर्मल से अवे की तरफ जाती है तो देखेंगे अब जैसे ही हम रे को इधर फॉल कराएंगे किसी भी एंगल पे तो ये होगा हमारा नॉर्मल तो नॉर्मल से अवे की तरफ जाएगी यानी कि मान लीजिए हमारे यहाँ पर कितने भी थर्टी है तो इधर क्या हो जाएगा एंगल चेंज हो जाएगा इधर हमें आ, कितना अलग से इससे ज़्यादा मिलेगा नेक्स्ट फिर से हमने एंगल चेंज किया ठीक है फिर से नॉर्मल है अब मान लीजिए यहाँ पर हमारा फोर्टी है तो फिर से क्या मिलेगा थोड़ा सा और ज़्यादा एंगल बढ़ जाएगा ना इसको बढ़ा रहे हैं तो ये भी एंगल मिल जाए बढ़ता चला जाएगा हमारा अब मान लीजिए हमारा इधर 80 वैसे कर रहा हूँ मैं इसको फिर से हम इस एंगल को और बढ़ा देंगे ये नॉर्मल है और फिर से क्या होगा ये हमारा यानी कि ये एट्टी था तो कैसी एक कंडीशन तो ऐसी आएगी ना कि जब वो लाइट रे बिल्कुल ही सीधी चली जाए ये एंगल आई है ये हमारा एंगल आर यानी कि हमारा एंगल आर क्या होगा इस पर आर हो गया हमारा नॉर्मल पे परपेंडिकुलर तो ये एंगल जब हमारी रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर हो जाती है नॉर्मल पे तो वो एंगल बोला जाता है क्रिटिकल एंगल तो हमारा इंसिडेंट एंगल क्या होगा इस टाइम पे क्रिटिकल एंगल तो वो क्रिटिकल एंगल को हम कैसे डिफाइन करेंगे वैन मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा इंसिडेंट एंगल है वो कितना कर दिया जाए कि जो हमारा रिफ्रेक्टेड एंगल है वो नॉर्मल पे परपेंडिकुलर हो द मिनिमम एंगल मिनिमम इंसिडेंट एंगल when द refracted एंगल इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल ऐसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं क्रिटिकल एंगल को तो हमारा क्रिटिकल एंगल क्या हो गया यहां पर हम देख सकते हैं 90 डिग्री यानी कि जब हमारा सॉरी यानि कि हमारा जो incident एंगल है ठीक है जब हमारा इंसीडेंट एंगल हम बढ़ाते चले गए बढ़ाते चले गए बढ़ाते चले गए तो एक सिचुएशन ऐसी आई कि जो हमारा रिफ्रेक्टेड एंगल है वो कैसा हो गया परपेंडिकुलर यानी कि ऐसे केस में जो हमारा इंसिडेंट एंगल है वो होगा नाइन यानी कि क्रिटिकल एंगल तो यानि कि हमने देखा अलग एंगल को हम बढ़ाते रहे इंसिडेंट एंगल को तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जो हमारी लाइट रे नॉर्मल परपेंडिकुलर हो जाएगी तो इस केस के लिए जो हमारा वो बोला जाएगा। और फर्दर हम ऐसा ही करते जाएगी अंदर की तरफ आ जाएगी क्योंकि नॉर्मल पे आ चुके थे ना और एंगल बढ़ा दिया तो हमने अंदर ही आएगी तो अब क्या होगा हमने देखा लाइट रे बाहर तो जा ही नहीं रही इसका मतलब जो लाइट रे है वो क्या होगी रिफ्लेक्ट हो गई तो ये हमारा क्या हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये हो गया हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हमारा एंगल आई क्रिटिकल एंगल के इक्वल था तो क्या हो गया लाइट रे नॉर्मल टू द लाइट रे हमारी होगी नॉर्मल टू द नॉर्मल यानी कि या परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल और जैसे ही हमने इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर दिया तो क्या हो गया हमारा जो रे थी वो रिफ्लेक्ट हो गई तो व्हेन इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल द रे गेट रिफ्लेक्टेड उसी मीडियम में आ रही वाटर से गई और वाटर में ही आ गई रिफ्लेक्टेड इन टू द सेम मीडियम दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो दोबारा से फिर देख सकते हैं हम तो हमने लाइट रे को सीधा यानी कि नॉर्मल पे ही कर दिया था तो नॉर्मल पे क्या होता है अगर लाइट रे सीधी नॉर्मल पे जाएगी तो क्या होगा वो बैंड नहीं होती है किधर भी तो सीधी चलेगी फिर हमने थोड़ा सा एंगल बढ़ाया तो क्या होगा डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी तो नॉर्मल से अवे बैंड हो जाएगी फिर एंगल बढ़ाया तो फिर से नॉर्मल की से अवे बैंड होगी फिर एंगल बढ़ाया तो एक कंडीशन ऐसी आई कि जो हमारा नॉर्मल है और जो हमारी रिफ्रेक्टेड रे है वो क्या हो गई परपेंडिकुलर हो गई रिफ्रेक्टेड रे परपेंडिकुलर हो गई है नॉर्मल पे तो उस केस में जो हमारा इंसिडेंट एंगल होगा वो हो गया क्रिटिकल एंगल और फिर से हम क्या करेंगे उसको और बढ़ा देंगे तो क्या होगा फिर तो लाइट रे अंदर ही चली गई वापस यानी कि अब नॉर्मल आ रही थी और ज़्यादा एंगल बढ़ा दिया तो फिर नीचे की तरफ जाएगी तो ऐसे केस में जो हमारा इंसिडेंट एंगल है वो क्या हो गया क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया और जब इंसीडेंट एंगल हमारा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो हमारा हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कल हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा उसमें हम देखेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स या फिर सन अपीयर्स रेडिस ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जरूर देखेंगे वीडियो को